हे गाइस, दिस इज सीएसएम आशुतोष लाडा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहली बात, अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सीएसएम आशुतोष लाडा के नाम से, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की अपडेट्स के लिए। दोस्तों, एक छोटी सी अपडेट मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए देना चाहूंगा जिन्होंने सीए इंटर का ग्रुप वन पास कर लिया है एंड ग्रुप टू का रिजल्ट का वो वेट कर रहे हैं। एंड अगर आप लोगों ने ऐसे कोई स्टूडेंट है जिसने ग्रुप वन पास कर लिया है बट आर्टिकलशिप अभी तक भी ज्वाइन नहीं करी है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि ग्रुप टू के पास होने का, तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 30th June 2023 एक कट ऑफ डेट निकाली है इंस्टीट्यूट ने। 30th June के बाद अगर आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करना चाहेंगे तो भी आप, जब तक आपका ग्रुप टू पास नहीं हो पाए हो जाएगा तब तक आप ग्रुप टू के बिना आर्टिकलशिप ज्वाइन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 1st of July से न्यू स्कीम जो है वो एप्लीकेबल होने वाली है, और न्यू स्कीम की एप्लीकेबिलिटी के बाद आर्टिकलशिप आप लोग तभी कर पाएंगे जब आपका ग्रुप बोथ ग्रुप ऑफ सीए इंटर पास हो जाएगा। तो अगर आप लोगों का एक ही ग्रुप पास हुआ है, अगर आपका एक ही ग्रुप हुआ है अगर आपका पास, एंड आप वेट कर रहे हैं ग्रुप टू के पास होने का, तो वेट ना करें एंड आप अपनी आर्टिकलशिप अभी ही ज्वाइन कर सकते हैं। बट इस जगह पर कुछ स्टूडेंट्स का कहना होगा कि सर, अभी हम अगर आर्टिकलशिप स्टार्ट कर भी देंगे तो भी हमारा एग्जाम तो 2.5 साल की आर्टिकलशिप के बाद होगा, न्यू सिलेबस में तो 2 साल के बाद ही हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, न्यू सिलेबस के अंदर 2 साल की आर्टिकलशिप के बाद 6 मंथ्स के गैप के बाद आप लोग एग्जाम दे पाएंगे। तो आपका एग्जाम का जो ड्यू है वो आपका सेम अटेम्प्ट में ही होगा, आपको अटेम्प्ट कहीं पर भी एक्सटेंड नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को अभी से ही इमीडिएटली क्या कर लेना चाहिए, आर्टिकलशिप ज्वाइन कर लेनी चाहिए। ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि आप लोगों के न्यू सिलेबस में केवल 2 साल की आर्टिकलशिप है और उसके बाद में आप लोगों का जो है एग्जाम आप देंगे, देन आप लोगों के पास जब तक रिजल्ट आता है आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है और आप अपने प्रैक्टिस वर्ड से कनेक्टेड नहीं रह पाते हैं। जबकि एग्जिस्टिंग आपकी स्कीम के अंदर आपको एग्जाम के बाद भी 2 से 3 महीना आप अपने सीए ऑफिस को ज्वाइन कंटिन्यू कर सकते हैं, एंड आप लोगों को जब एग्जाम क्लियर करेंगे सीए फाइनल का, तो आप लोगों के लिए इंटरव्यू फेस करने में आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस से ऑलरेडी कनेक्टेड रहेंगे। तो प्रैक्टिस वर्ड से आप लोग कनेक्टेड रहेंगे तो आपको काफी अच्छे एक्सपोजर्स मिलने की उम्मीद रहेगी। तो दोस्तों, 30th June आप लोगों के लिए कट ऑफ डेट है, तो प्लीज आप लोगों में से अगर कोई आपका कोई फ्रेंड ऐसा है तो उस तक ये वीडियो जरूर से शेयर करवा दीजिएगा सो दैट उनको ये इन्फॉर्मेशन पता लग सके। दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस इज सीएसएम आशुतोष लाडा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।